हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इक्विलिब्रियम ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, इन द गिवन फिगर P इक्वल्स टू 500 न्यूटन एंड Q इक्वल्स टू 1000 न्यूटन आर सस्पेंडेड इन अ वर्टिकल प्लेन बाय स्ट्रिंग AD, AB एंड AC। फाइंड द टेंशन इंड्यूस इन ईच ऑफ दी स्ट्रिंग्स। तो देखिए, क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे दो लोड्स हैं, पहला है P दैट इज 500 न्यूटन और दूसरा है Q दैट इज 1000 न्यूटन, और ये दोनों को सस्पेंडेड किया है इन अ वर्टिकल पोजीशन बाय मींस ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स। यहां पे तीन स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग ए बी, स्ट्रिंग ए सी और स्ट्रिंग ए डी। और यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग्स। ये तीनों स्ट्रिंग्स में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। इसका मतलब स्ट्रिंग ए बी, स्ट्रिंग ए सी और स्ट्रिंग ए डी में हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके मन में आएगा कि ये प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम से भी सॉल्व हो सकता है और लेमिस थ्योरम से भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां पे जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे। ये देखो, ये जो जॉइंट ए है, हम ये जॉइंट ए का पहले एफबीडी बनाते हैं। वो एफबीडी ड्रॉ होने के बाद हम चेक करेंगे कि लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। अगर लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम लेमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, और अगर लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इक्विलिब्रियम, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो चलो यहां पे हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। वैसे इसके पहले एफबीडी कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां से देख लीजिएगा। एफबीडी ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हमें ये तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करना है। देखो, टेंशन ए बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, टेंशन इन द स्ट्रिंग ए सी और टेंशन इन द स्ट्रिंग ए डी। तो ऐसे में हमें जॉइंट ए का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। जॉइंट ए का एफबीडी हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि जॉइंट ए से ये तीनों स्ट्रिंग यहां पे लगे हुए हैं, तो हमें जॉइंट ए का एफबीडी ड्रॉ करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे, तो ये हमने लिखा है एफबीडी ऑफ जॉइंट ए। तो ऐसे में हम सबसे पहले यहां पे जॉइंट ले लेंगे, और जॉइंट पे यहां पे एक सबसे पहले लोड लगा है। देखो, जॉइंट ए पे यहां पे एक लोड लगा है 500 न्यूटन का। तो ये हमने लोड के लिए उसका स्ट्रिंग यहां पे शो किया है। जॉइंट ए के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्ट्रिंग है, तो ये हम यहां पे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में यहां पे स्ट्रिंग जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और जॉइंट ए में एक इंक्लाइंड स्ट्रिंग भी लगा है, स्ट्रिंग ए बी, उसका इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री, वो भी दिया हुआ है। तो ये हमने इस तरह से जॉइंट ए में टोटल चार स्ट्रिंग शो किए हैं। चार, यहां पे चार स्ट्रिंग्स कहां पे आ गई, तो ये देखो, ये एक, दो, तीन, और ये जो लोड यहां पे लगा है ये भी एक स्ट्रिंग में लगा है, तो वो हमने शो किया है। तो ये जॉइंट ए, और अब ये चारों में हमें डायरेक्शन शो करना है। देखो, ये चारों में हम फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे देंगे। उसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो जॉइंट ए में जो लोड लगा है वो लोड यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जाहिर सी बात है वो लोड में, यहां पे लोड है 500 न्यूटन का, तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन 500 न्यूटन का रहेगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे पी दैट इज 500 न्यूटन जो दिया हुआ है, ठीक है। और अब ये जो बाकी के तीन स्ट्रिंग्स है, तीनों स्ट्रिंग में हमने फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड दे दिया है। उसका सिंपल सा रीजन है, हमेशा ध्यान में रखो, केबल, वायर, थ्रेड, रोप, कॉर्ड, स्ट्रिंग, इनमें हमेशा आपको टेंशन शो करना होता है, और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहां पर तीन स्ट्रिंग यहां पर लगी है, तो तीनों स्ट्रिंग में हमें टेंशन शो करना है, टेंशन का डायरेक्शन आउटवर्ड ही होता है। तो ये देखो, यहां पे तीनों स्ट्रिंग में हमने टेंशन शो कर लिया है। ये जो लेफ्ट साइड का स्ट्रिंग है ये है स्ट्रिंग एडी, तो इसमें हम टेंशन लिख लेंगे, दैट इज टी एडी, इट मींस टेंशन इन द स्ट्रिंग एडी। देन ये लगा है स्ट्रिंग ए बी, तो इसमें हम टेंशन यहां पे लिख लेंगे टी ए बी, और ये लगा है यहां पे स्ट्रिंग ए सी, तो इसमें हम टेंशन लिख लेंगे, दैट इज टी ए सी, इस तरह से। और ये जो स्ट्रिंग है ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है, तो यहां पे हम इसका एंगल भी शो कर लेंगे 30 डिग्री। इस तरह से हमने यहां पे जॉइंट ए का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन ये एफबीडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट है। लेकिन जैसा हमने कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शंस हो सकते हैं, लेमिस थ्योरम और इक्विलिब्रियम। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम लेमिस थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए हमें यहां पे लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। अगर लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही हम लेमिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो लेमिस थ्योरम की तीन कंडीशन होती है, तीन में से सबसे पहली कंडीशन है कि देयर मस्ट बी थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस, तीन कॉन्करेंट फोर्सेस होना चाहिए तो ही लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो यहां पे क्या तीन कॉन्करेंट फोर्सेस है, नहीं, यहां पे टोटल चार कॉन्करेंट फोर्सेस है। देखो, 1 2 3 4, चार फोर्सेस है, चारों कॉन्करेंट है। तो फाइनली कंडीशन नंबर 1 ही अनसेटिस्फाइड है, इसका मतलब यहां पे हम लेमिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते।
क्योंकि यहां पे चार कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो हम एक काम करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें इंक्लाइन फोर्स को यहां रिजॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर इंक्लाइन कौन है, तो ये जो टी ए बी है ये इंक्लाइन है। हमेशा ध्यान में रखो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए यहां पर हमेशा इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना कंपल्सरी होता है। तो ये हम इस तरह से रिजॉल्व करेंगे, इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करना यानी उसको दो दो पार्ट में डिवाइड करना। ये देखो ये इंक्लाइन फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ये वर्टिकल पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस 30 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा साइन 30। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टली है। तो हम यहां पर लिख लेंगे टी ए बी कॉस ऑफ 30 डिग्री और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज टी ए बी साइन ऑफ 30 डिग्री। जो साइड के साथ एंगल होता है वो साइड में आपको हमेशा एंगल वो साइड में आपको हमेशा कॉस लिखना होता है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इंक्लाइन फोर्सेस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व करते हैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इंक्लाइन फोर्सेस को नंबर ऑफ वे में आपको रिजॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने रिजॉल्व तो कर लिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस क्योंकि हॉरिजॉन्टली एंगल है इसलिए, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन, और ये दोनों का डायरेक्शन हमने आउटवर्ड दे दिए, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट, वो इसलिए क्योंकि TA भी आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड। और अब फाइनली ये FBD कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ये FBD को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करनी है। तो यहां पे हम दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करेंगे, एक है यहां पे देखो, एक है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशंस का यूज करेंगे तो आसानी से यहां पे ये सॉल्व हो जाएगा और ये तीनों अननोन हमें यहां पे मिल जाएंगे। तो ये दोनों में से पहला कौन सा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो यहां पे हम सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चलो यहां पर हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, इसका मतलब यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें समेशन करना है। तो यहां पे फिलहाल दो वर्टिकल फोर्सेस दिखाई दे रहे 500 और टी ए बी साइन, तो ये दोनों का हमें समेशन करना है। लेकिन समेशन करने का एक रूल है, रूल ऐसा है कि वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेना होता है तो डाउनवर्ड जाने वाले निगेटिव। तो ये टी ए बी साइन वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये 500 डाउनवर्ड जा रहा है तो ये निगेटिव में आएगा। तो हम यहां पर लिख लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले प्लस, तो ये हम लिखेंगे दैट इज टी ए बी साइन ऑफ 30 अपवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस में, और ये 500 डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस में इक्वल टू जीरो। बस इसको सॉल्व करो तो हमें यहां पे टी ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा टी ए बी साइन 30 इक्वल टू 500। 500 को बस आपको क्या करना है, साइन 30 से डिवाइड करना है। तो यहां पर हमें टी ए बी का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो हमें टी ए बी मिल गया, कितना 1000 न्यूटन टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी हमें मिल गया। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने ये कंडीशन यूज कर लिए, ठीक है, तो हमें टी ए बी मिल गया। लेकिन अभी भी यहां पे दो अननोन बाकी है जो हमें फाइंड आउट करना है, टी ए डी और टी ए सी। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे जो टी ए डी है वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, टी ए डी हमें ऑलरेडी पता है। टी ए डी हो जाएगा 1000 न्यूटन। कैसे, यहां पे आप प्रॉपरली चेक करो, ये जो मेन डायग्राम दिया था यहां पे Q का वैल्यू दिया है, देखो ये जो लोड है ये लोड का मैग्नीट्यूड है 1000 न्यूटन, और ये जो स्ट्रिंग में यहां पे ये जो स्ट्रिंग लगा है ये स्ट्रिंग ये पुल्ली के ऊपर से होते हुए है और ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है कि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, तो ये इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स में हमेशा जो पुल्ली होती है वो फ्रिक्शनलेस पुल्ली होती है, आपको उसको बाय डिफॉल्ट फ्रिक्शनलेस पुल्ली मान के चलना होता है। तो ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, तो फ्रिक्शनलेस पुल्ली का फायदा ये होता है कि फ्रिक्शनलेस पुल्ली के दोनों साइड में टेंशन सेम होता है। तो यहां पर अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, ये जो स्ट्रिंग एडी है वो यहां से लेके यहां तक है, ये देखो ये जो स्ट्रिंग एडी है ये स्ट्रिंग एडी के दूसरे साइड में यहां पे लोड लगा है 1000 न्यूटन का। अगर यहां पे लोड 1000 का है तो जाहिर सी बात है ये साइड के स्ट्रिंग में टेंशन भी 1000 न्यूटन का होगा। यहां पे 1000 न्यूटन का टेंशन है, ठीक है, यहां पे, और अगर यहां 1000 का टेंशन है तो जाहिर सी बात है इसके दूसरे साइड में यहां पे भी 1000 न्यूटन का ही टेंशन होगा, क्योंकि हमने कहा है कि ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। फ्रिक्शनलेस पुल्ली का फायदा ये है कि दोनों साइड में टेंशन सेम रहता है क्योंकि यहां पे कोई भी टाइप का टेंशन लॉस नहीं हो रहा है। तो यहां पे 1000 न्यूटन का टेंशन, तो यहां पे भी 1000 न्यूटन का टेंशन। इसका मतलब ये है कि ये जो टी ए डी है, टी ए डी का वैल्यू हमें पता है, तो टी ए डी का वैल्यू है दैट इज 1000 न्यूटन, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम फिगर, हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर टी ए डी इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, ओके, सिंपल। और अब बचा है T
TAC, हमें TAC भी फाइंड आउट करना है, तो चलो अब TAC फाइंड आउट करेंगे। TAC इसका मतलब ये जो AC स्ट्रिंग यहां पे लगा है इसमें हमें टेंशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम समेशन ऑफ f(x) जो लास्ट कंडीशन है वो हम यहां पे अप्लाई कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ f(x) इक्वल्स टू जीरो। समेशन ऑफ f(x) यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका समेशन। यहां पे टोटल 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, TAD, TAC और TAB cos, ये तीनों का समेशन करना है। और समेशन करने का रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस हमें प्लस ले लेना है। तो TAC राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस में आएगा, TAB cos राइट साइड जा रहा है ये भी प्लस में आएगा, लेकिन TAD लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस में आएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे TAC प्लस TAB cos, जस्ट अ मिनट, प्लस दैट इज TAB cos ऑफ 30 माइनस TAD इक्वल्स टू जीरो। ओके, बस यहां पे TAB और TAD का वैल्यू पुटअप करो। तो हम लिखेंगे TAC प्लस ये 1000 cos ऑफ 30 माइनस TAD, इट मीन्स अगेन ये 1000 इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली यहां पे ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा, हम यहां पे लिखेंगे TAC, तो ये माइनस में आएगा 133। हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, 133.97 इक्वल्स टू जीरो। इसको राइट साइड में शिफ्ट कर लो, तो देयरफॉर हम यहां पे लिख लेंगे TAC इक्वल्स टू 133.97 न्यूटन। और फाइनली यहां पे AC स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो हमें पता चल गया। और क्वेश्चन में जैसा कहा था फाइंड द टेंशन इन 3 स्ट्रिंग्स, तो ये तीनों स्ट्रिंग्स में हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था आज का इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम। इसके पहले के भी सभी प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।